तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक जबरदस्त फ्री शॉट लेके आए हैं। जी हाँ गाइज, फ्री शॉट का रिव्यू लेके आए हैं मल्टीप्लेयर के अंदर। और गाइज वो फ्री शॉट सारे टाइप्स के बैट्समैन के लिए अवेलेबल है और उस डायरेक्शन में अवेलेबल है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, और बहुत ही बढ़िया शॉट है। इन भाई साहब के डिमांड के ऊपर ये शॉट का रिव्यू मैंने कराया है। तो गाइज चलिए, आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्री शॉट है तो खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने सेटिंग में आना है और वहाँ से शॉट मैप में आना है और 7 o'clock के डायरेक्शन देख लीजिए, लॉफ्ट पर क्लिक कर लीजिए, बस फ्रंट फुट से आपको ये शॉट मिलेगा। बैक फुट पे अवेलेबल है नहीं है, बस फ्रंट फुट पे सारे टाइप के बैट्समैन के लिए अवेलेबल है। डिफेंसिव से लेके बाइलेंस तक सारे बैट्समैन के लिए शॉट अवेलेबल है। फ्री शॉट है, 7 o'clock पे है, 333। अब बात करते हैं लेंथ की, किस किस लेंथ को शॉट कनेक्ट करता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो शॉट है वो बस 2 लेंथ की बॉल को कनेक्ट करता है, एक यॉर्कर और दूसरा है फुलर लेंथ की बॉल। बहुत ही बढ़िया कनेक्शन होता है और बहुत दूर जाता है, आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। गुड लेंथ की बॉल को कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टाइमिंग की, कि टाइमिंग आप कैसे इस शॉट को कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे फास्टर की धीमी गति की गेंद है तो आपको हाफ पिच पे खेलना है। फास्टर की अगर धीमी गति की गेंद हो तो आपको हाफ पिच पे खेलना है, बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। अच्छे से 1-2 बार आप नेट्स पे प्रैक्टिस कीजिएगा और ये दूरी देखिएगा, फ्री शॉट होकर इतना दूर गया। देखिए फास्टर की तेज गति की गेंद को हाथ से जैसे ही थोड़ी सी गेंद रिलीज हो जाएगी तब आपको खेलना है। फास्टर की तेज गति की गेंद को हाथ से जैसे गेंद रिलीज हो जाएगी तब आपको खेलना है। बहुत ही बढ़िया कनेक्शन होगा, बहुत दूर जाएगा। यहाँ पे अब स्पिनर की बात करते हैं, स्पिनर की धीमी गति की गेंद को पिचिंग से थोड़ा पहले आपको खेलना है। बॉल जैसे ही पिचिंग होने वाली होगी उससे थोड़ा पहले आपको खेलना है। देखो दूरी एक बार देख लो गाइस, कितनी दूर गई है स्पिनर की भी, और फास्टर की तो गई ही थी। यहाँ पे अगर स्पिनर की तेज गति की गेंद हो तो आपको हाफ पिच पे खेलना है, बिल्कुल अच्छे से जान लो इसको। आगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बढ़िया गया है भाई, सीधे 6 रनों के लिए बॉल। यहाँ पे सब कुछ हमने टाइमिंग का क्लियर कर दिया। अब हम आपका बात करते हैं पोजीशन की। तो भाई कोई भी मतलब बॉल हो, अंदर आए बाहर जाए कहीं भी जाए, आपको 2 स्टेप की दूरी रख के खेलना है। बिल्कुल कनेक्शन होगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, 2 स्टेप की दूरी रखना है। और इस डायरेक्शन में ये शॉट सबसे बेस्ट लगा मुझको, और भाई वो फ्री है, ऊपर से सारे टाइप के बैट्समैन के लिए अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं डिमांड के ऊपर वीडियो बनाता हूं, तो भाई किसी किसी की जो वीडियो होती है थोड़ी सी लेट हो जाती है गाइज, तो उसके लिए परेशान नहीं होइए। एक बार और आप लोग कमेंट करके अपना शॉट बता दीजिएगा, ताकि अगर मैं भूल गया हूँ तो उस शॉट का रिव्यू कर दूँ। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है यार, कि हमारी इस मेहनत के लिए 1 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।